हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल एसएससी अंडर टू में आपका स्वागत है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो हम बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात की। तो जलप्रपात दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है जलप्रपात, एक होता है महाजलप्रपात। ठीक है, तो जलप्रपात किसको बोलते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है? जलप्रपात उसको बोलते हैं हम पहाड़ी से जल का भूमि की ओर गिरना जलप्रपात कहलाता है। अगर पानी की मात्रा कम होगी, पहाड़ी से कम मात्रा में कम ऊंचाई पर भूमि की तरफ पानी का गिरना जलप्रपात कहलाता है। अगर पानी की मात्रा भी अधिक हो और ऊंचाई भी अधिक हो तो उसको हम बोलते हैं महाजलप्रपात। भारत में जिन जिन राज्यों में जलप्रपात हैं और कौन कौन सी नदी पर जलप्रपात हैं उनकी हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो भी आज तक एग्जाम में आए हुए जलप्रपात हैं उन सब की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देखिएगा और अपना एक नंबर स्टैटिक जीके का कन्फर्म कीजिएगा। चलिएगा बात कर लेते हैं इस वीडियो में हम भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कौन सी नदी पर है, कौन से स्टेट में है, इन सब की इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करेंगे तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, एक तो आप नाम सुनेंगे कुचिकल जलप्रपात, एक आप नाम सुनेंगे जोग या गरसोपा जलप्रपात। ये दोनों कर्नाटक में, कुचिकल भी कर्नाटक में और जोग भी कर्नाटक में, अलग अलग बुक में दोनों ही दे रखे हैं। किसी किसी बुक में जोग जलप्रपात को सबसे ऊंचा दिखा रखा है, किसी किसी में कुचिकल जलप्रपात को सबसे ऊंचा दिखा रखा है। तो आपको याद रखना है जोग गरसोपा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, कुचिकल जो जलप्रपात आपका, ये कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये जलप्रपात जिस नदी पर है उस नदी का नाम है आपका वराह नदी, और ये जो कुचिकल जलप्रपात जिस स्टेट में है उस स्टेट का नाम है कर्नाटक। जलप्रपात भारत में मुख्य रूप से भारत के जो दक्षिण हिस्सा है, दक्षिण भारत में मुख्य रूप से जलप्रपात पाए जाते हैं। तो भारत में कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वो जो नदी पर है वो है नदी वराह नदी, और जो स्टेट में वो है कर्नाटक। नेक्स्ट हम बात करेंगे जोग या गरसोपा जलप्रपात भी कर्नाटक में है, जो कि शरारती नदी पर है। अगर आपका ऑप्शन में कुचिकल जलप्रपात नहीं होगा तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपको पूछता है और उसमें कुचिकल नहीं है ऑप्शन में, तो आपको जोग या गरसोपा करना है जो कि शरारती नदी पर कर्नाटक में है। नेक्स्ट आपका कर्नाटक में है शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में। नेक्स्ट भी आपका कर्नाटक में है गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात, गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात कर्नाटक में है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा या कुचिकल जलप्रपात जिसको बोलते हैं, अगर ऑप्शन में कुचिकल नहीं होगा तो आपको जोग या गरसोपा करना है। और सबसे बड़ा जलप्रपात यानी कि जो स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात, ये जो हुंडरू जलप्रपात है ना, किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। ये कहाँ पर है? ये झारखंड में है। और ये झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। और इसी रांची से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं। और ये झारखंड बिहार से अलग होकर एक राज्य बना था, कब? नवंबर की बात है और साल था आपका 2000, साल है आपकी 2000, महीना था नवंबर में, आपका बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया था। और झारखंड बनाया गया था, इसकी राजधानी रांची है और महेंद्र सिंह धोनी आपके रांची से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। नेक्स्ट है एन्या जलप्रपात नर्मदा नदी पर गुजरात में। गुजरात का एक ही जलप्रपात है मोस्ट है, वो है एन्या जलप्रपात, याद रखना आपको, नर्मदा नदी पर। उस नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, चाहे से चूलिया चाहे से चंबल, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात भी आपका मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट आपका चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है बिहार नदी पर। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। और ये जो छत्तीसगढ़ है ना, ये छत्तीसगढ़ का निर्माण भी आपका नवंबर का महीना था, साल था 2000, भारत का एक राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश से अलग होकर इस छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। आपका नवंबर का महीना सन था 2000 में, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था और इस छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजधानी है नया रायपुर। और आपका जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद, ये जो मध्य प्रदेश है भारत का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया क्षेत्रफल में, जबकि सन 2000 से पहले एमपी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट माना जाता था। अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, और इसी में जो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। आपको अगर इंद्रावती नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो पूछेगा कहाँ पर है, वो आपका है छत्तीसगढ़ में। लेकिन आपको याद रखना है इंद्रावती डैम अगर पूछता है, इंद्रावती डैम वो कहाँ पर, उड़ीसा में। अगर इंद्रावती नेशनल पार्क पूछता है तो छत्तीसगढ़ में, जबकि इंद्रावती डैम जिसको बांध बोलते हैं वो कहां पर है, वो आपका है उड़ीसा में। नेक्स्ट चलिएगा दूधसागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक के मध्य में मांडवी नदी पर स्थित है, और इसी मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी क्या, पणजी। गोवा की राजधानी है पणजी, आपकी मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। आपका जो गोवा है, गोवा की राजधानी कौन सी, पणजी, मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। और गोवा के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं कौन, जो कि उनका नंबर है 11 नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है प्रमोद सावंत। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक साहब यहाँ के गवर्नर हैं। क्योंकि सत्यपाल मलिक साहब का नाम इसलिए बताया गया है क्योंकि जब आपका जम्मू कश्मीर, कौन सा, जम्मू कश्मीर आपका राज्य हुआ करता था, उस समय वहाँ के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब। जब इन्हीं ये थे उसी समय 317 हटाया गया, बाद में इसको जम्मू कश्मीर को यूनिट टेरेटरी बनाया गया। एक बनाया गया जम्मू कश्मीर यूनिट टेरेटरी, दूसरा बनाया गया लद्दाख यूनिट टेरेटरी। उस समय पूछ सकते हैं आपको कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन थे, तो वो थे सत्यपाल मलिक। और सत्यपाल मलिक साहब अभी वर्तमान में गोवा के गवर्नर हैं। और आपके गोवा के 10वें नंबर के जो सीएम थे वो थे आपके मनोहर पारिकर, मनोहर पारिकर। इनका आकस्मिक निधन होने के बाद यहाँ पर 11वें नंबर के सीएम बनते हैं प्रमोद सावंत, प्रमोद एस यानी कि सावंत साहब। और यहाँ पे अभी वर्तमान में सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे वो कौन थे, सत्यपाल मलिक साहब थे। वो क्योंकि आपका 31 अक्टूबर का दिन था, वो साल थी 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर यूनिट टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो आपको सोचना चाहिए 31 अक्टूबर का दिन ही क्यों चुना गया, क्योंकि भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब उनकी जयंती मनाई जाती है कब, 31 अक्टूबर के दिन, क्योंकि एकता दिवस, एकता दिवस हम मनाते हैं, एकजुटता का दिवस जिसको बोलते हैं, 31 अक्टूबर के दिन मनाते हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने भारत को एकता के सूत्र में बांधा था। देश से जो रियासत थी उनको एकीकरण, उनका एकीकरण किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया था। इसलिए उनकी जयंती के दिन 31 अक्टूबर के दिन ही आपका जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। और आपका जो गोवा है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, किसमें, क्षेत्रफल में। इस यहाँ पर दो वही डिस्ट्रिक्ट है, मात्र और मात्र नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। और अगर क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है, गोवा, अगर जनसंख्या में सबसे छोटा की बात करेंगे वो है आपका सिक्किम, कौन सा, सिक्किम। नेक्स्ट चलते हैं वंशधारा जलप्रपात, वंशुधारा या वंशधारा जलप्रपात उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर स्थित है, और इसी उत्तराखंड से आपका गंगा और यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री और यमुनोत्री नामक स्थान से। वंशधारा जलप्रपात उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है किल्लू जलप्रपात तमिलनाडु में किल्ली नदी, किल्लीपुर नदी पर है, किल्लीपुर जलप्रपात तमिलनाडु में किल्लीपुर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है पायकारा जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी में है। एक दूसरा जलप्रपात है किल्लीपुर जलप्रपात, किल्लीपुर नदी पर तमिलनाडु में। आपको याद रखना है तमिलनाडु में मुख्य रूप से दो जलप्रपात हैं, कौन कौन से, एक तो किल्लीपुर जलप्रपात, दूसरा पायकारा जलप्रपात। नेक्स्ट आपका बिहार में एक जलप्रपात है जो कि टोंस नदी पर स्थित है, बिहार जलप्रपात के नाम से एक जलप्रपात है वो कि टोंस नदी पर स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।